कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे नरम मुलायम हरी मेथी के थेपले। और अब क्योंकि सर्दी का मौसम है और मार्केट में बहुत हरी मेथी आ रही है, जहां भी देखो सारे में हरी सब्जियां ही नजर आती है, जिसकी मैंने मोटी डंठल को अलग कर ली है और फिर उसको बारीक कैंची से काट लिया है। अगर मैं ये सब भी आपको करके दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आप बोर हो जाते। तो अब हम इसको धो लेंगे 2-3 पानी ये में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हरी मेथी को 3 पानी में धो लिया है और अब इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए हम 3 मिनट को इसको ऐसे ही छलनी में छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, मैंने 250 ग्राम मेथी के लिए यहाँ पर इस वाले कप से नाप कर 3 कप आटा ले लिया है। और आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से भी कम ज़्यादा आटा कर सकते हो। अब मैं इसमें 3 चम्मच बेसन डालूंगी। 1 चम्मच हो गया, ये 2 और अब ये 3। अब हम इसमें 3 चम्मच ही ऑयल डालेंगे। 3 कप आटा, 3 चम्मच बेसन और 3 चम्मच ही ऑयल, ये बिल्कुल परफेक्ट नाप रहेगा। फ्रेंड्स, अब अपने थेपले को बहुत चटपटे बनाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच धनिया डालेंगे, आधी चम्मच टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और आधी चम्मच ही लाल मिर्च डालेंगे। और बहुत ही अच्छे कलर के लिए अब मैं इसमें डालूंगी आधी चम्मच हल्दी पाउडर और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच सौंफ। और इसमें तिल बहुत ज़रूरी डलते हैं, अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी 2 पिंच हींग, क्योंकि हमारा हींग बहुत स्ट्रोंग है तो इसमें 2 पिंच ही काफ़ी रहेगा। आप अपने हिसाब से और मसाले कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अगर आप लहसुन प्याज का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक का, ये सब भी डालना पसंद करते हो तो ये सब भी डाल सकते हो। इन सब मसालों को और ऑयल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अपनी सारी मेथी को ऐड कर लेंगे। अब हम इस मेथी में जो पानी है उसी से पूरे आटे को गूंथेंगे और बाद में देखेंगे हमें कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेथी में पानी बहुत है तो हमारा लगभग आधे से ज़्यादा आटा तो इसी में ही गूंथ कर तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें जो पानी डालेंगे उसको गर्म करके डालेंगे। अगर आप इसमें दूध और दही दोनों चीज़ ही ऐड कर सकते हो। अगर आप दही डालना पसंद करते हो तो आप इसमें 3 चम्मच दही डालिए। और अगर आपको दूध डालना है तो दूध आप हल्का गर्म करके ही डालना। थेपलों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा हल्का गर्म करके दूध को डाल रही हूँ। दूध डालने से ये थेपले हमारे 3-4 दिन तक भी खराब नहीं होंगे और हम इनको सफर में भी आराम से ले जा सकते हैं। और आप दही का इस्तेमाल करते हो तो आप दही भी डाल सकते हो। आटे को हमें, जैसा हम नॉर्मल डेली में आटा बनाते हैं फुलकों का, पराठों का, उससे थोड़ा सॉफ्ट ही बनाना है, उससे बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा गूंथ गया है और अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। अभी बनाएंगे तो थेपले अच्छे नहीं बनेंगे, 10 मिनट में ये आटा और अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा भी 10 मिनट रेस्ट करने के बाद तैयार हो चुका है। अब हम इसको इस बाउल में ही थोड़ा सा और मस लेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर रख लेंगे, जैसा हम नॉर्मल खाना बनाते हैं घर में, उससे थोड़ी छोटी बनानी है क्योंकि थेपले बहुत ही पतले बनते हैं। चलो अब इसकी छोटी छोटी पेड़ियां बनाकर तैयार कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, थेपले बनाने के लिए हमने थोड़ी सी लोइया तो बनाकर रख ली है। अब हम इनको बेलना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक लोई उठाएंगे और उस पर सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे। हल्के हाथों से बेलना है फ्रेंड्स, कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, क्योंकि हमको ये बहुत ही सॉफ्ट बनाने हैं और जैसे हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं उससे बहुत पतला बेलेंगे। और इनको हम बहुत सारे एक साथ बेलकर रख लेंगे, उसके बाद हम एक एक करके सेकेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बिल्कुल हल्का हल्का सा ही सेकना होता है इसलिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने थेपले को बेलकर तैयार कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना पतला बेला है। बिल्कुल इसी तरह से हम सारे थेपले को बेल करके तैयार कर लेंगे। पर एक और भी मेंबर है हो जो आपकी हेल्प कर सकता हो, तब तो आप इनको एक बेलता जाए और एक सेकता जाए, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थेपले भी बेलकर तैयार कर लिए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने पतले मैंने बेले हैं, और आपको भी इतने ही पतले बेलने होंगे। अब चलो इनको फटाफट सेक लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। अब हम इसको हल्का सा ऑयल डालकर चिकना करेंगे और इस ऑयल को चारों तरफ फैलाते हुए साफ कपड़े से साफ कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको भी गुजराती लोगों की तरह मीठा खाना पसंद है तो आप आटे में 1-2 चम्मच चीनी पीसकर भी डाल सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का खाना कोई नहीं खाता, तो मैंने इसलिए नहीं डाली। और फ्रेंड्स, गुजरात का तो शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहाँ पर ये थेपले ना बनते हो, वहाँ पर तो ये रूटीन में ही खाए जाते हैं। और अब तो सर्दी का मौसम है, चारों तरफ इतनी हरी मेथी आ रही है, तो आप भी सर्दी का फ़ायदा उठाएं और ज़रूर बनाएं। फ्रेंड्स, मेथी में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो इसलिए मेथी का इस्तेमाल तो सर्दियों में हम सबको बहुत ज़्यादा करना चाहिए। हमारा एक तरफ से सीख गया है। अब हम इस पर ऑयल लगाएंगे और हल्के हाथों से सेकेंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा दबाना नहीं है वरना ये कैड़े हो जाएंगे। और इनको बहुत हल्के हाथों से दबाते हुए बिल्कुल सॉफ्ट बनाने हैं और हल्का सा ही सेकना है। फ्रेंड्स, वैसे तो सारी सब्जियां 12 महीने मिलती है, लेकिन मेथी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, इसलिए ये सर्दियों में बहुत अच्छे से खाना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिया है थेपला, और आप बताइए कैसा बना है। ऐसे ही हम एक के बाद एक अपने सारे थेपलों को तवे पर डालकर बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे थेपले बन गए हैं। वैसे तो इनका पैकेट मार्केट में भी मिलता है, पर क्यों इतना महंगा पैकेट खरीदना जब हम घर में ही इतना सस्ता बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं, आप खुद ही देख लीजिए। और मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी एकदम कितना अच्छा टूट रहा है। आप इनको बनाकर कहीं सफ़र में जा रहे हो तो आप तो भी लेकर जा सकते हो, ये 3-4 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।